हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ आस्था। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। मैं बताने जा रही हूँ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। भारतीय युवा आज तेज़ी से अपने जीवन जीने के अंदाज में बदलाव ला रहे हैं। ऐसे में आधुनिक संस्कृति के किसी भी रूप को अपनाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लिव इन रिलेशन इस आधुनिक संस्कृति का ही एक हिस्सा होता है। आज के कई युवा शादीशुदा जिंदगी जीने से बेहतर लिव इन रिलेशन को मानते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशन और शादी में बहुत फ़र्क है। आज के दौर में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी शादी और लिव इन रिलेशनशिप को एक जैसा ही मानती है। उनका मानना है कि इन दोनों में ही हम सामने वाले से कुछ वादे कर सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं। बस शादी में समाज और कानून की मान्यता होती है और लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसको थोड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है, तो मैं अपनी वीडियो में आपको इस पर भारत में इसका कानून क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, समाज में इसको लेकर लोगों के बीच क्या मान्यताएँ हैं और ये सही है या गलत, वो सब कुछ अपनी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है? व्हाट इज़ ए लिव इन रिलेशनशिप? जब दो युवक और युवती शादी के बिना अपनी मर्जी से एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रह रहे हों, तो उस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आज भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप के एक विवाद का मुद्दा है। कई लोग इसके कुछ फ़ायदे बताते हैं तो कुछ नुकसान। जहाँ एक बड़ा वर्ग इसे समाज और मानवीय मूल्य के लिए खतरा बताता है, दूसरी ओर एक ऐसा भी वर्ग है जो इसको पुरातन परंपरा में हुए बदलाव के रूप में देखकर इसको अपनी आज़ादी से जोड़कर अच्छा बताता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार लिव इन रिलेशनशिप और शादी में फ़र्क क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप और शादी में मतलब किसी महिला व पुरुष का शादी के बिना आपसी सहमति के बाद एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहना होता है। महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत शिक्षित और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र ऐसे लोगों ने की जो कि विवाह की जकड़न से छुटकारा चाहते थे। इस रिश्ते को दूसरे पक्ष की सहमति के बिना कभी भी समाप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर शादी न सिर्फ दो व्यक्तियों का बल्कि दो परिवारों का भी मिलन है। शादी में लड़का लड़की को सामाजिक तौर पर एक सूत्र में बंधने की मान्यता प्राप्त होती है। विवाह में स्त्री व पुरुष दोनों का सम्मान व प्रतिष्ठा निहित होती है। विवाह की परंपरा भारतीय समाज के आरंभ से चली आ रही है। आमतौर पर शादी अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच होती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार लिव इन रिलेशनशिप पर भारत का कानून क्या कहता है। भारतीय कानून में लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकृति दी गई है। अगर एक युवक और युवती अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये गैरकानूनी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक रिश्ते को कानूनी तौर पर लिव इन रिलेशनशिप माना जाने के लिए चार बातें सिद्ध करनी होंगी। इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवतियों को पति पत्नी के तौर पर ही रहना होगा। लड़के व लड़की की उम्र शादी के लिए कानूनन तय उम्र पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा शादी के लिए सही उम्र के अलावा बाकी जरूरी सभी योग्यताओं को पूरा करना चाहिए, जैसे कि दोनों की अविवाहित होने चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष व महिला को लंबी अवधि के लिए पति पत्नी की तरह रहना होगा। लिव इन रिलेशनशिप के फ़ायदे क्या होते हैं? पार्टनर को जानने में आसानी। लिव इन रिलेशनशिप में आपको पार्टनर को जानने के लिए पूरा समय मिल जाता है। इसमें आप पार्टनर के हर व्यवहार को बेहद करीब से देखते हैं और समझते हैं। इसके अलावा आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानने में मुश्किल नहीं होती, जबकि शादी में एक या दो दिन मिलने से आप सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। आर्थिक रूप से निर्भर। इस तरह के रिलेशनशिप में आर्थिक रूप से किसी भी पक्ष को किसी के ऊपर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि संबंध खत्म होने पर भी किसी पर भी कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इस रिलेशन में आप अपनी मर्जी से सामने वाले पर पैसे खर्च कर सकते हैं। सामने वाले पर पैसे खर्च करने के लिए आप बाउंड नहीं होते हैं। सामाजिक दायित्वों से आज़ादी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही आपको सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति देता है। इस रिश्ते में सामाजिक और पारिवारिक नियम आप पर लागू नहीं होते, ऐसे में इनको मानने का भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। साथ ही आपके पास खुद के लिए भी पूरा समय मिल पाता है। किसी भी विषय पर जवाबदेही नहीं होती है। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं रहते हैं। बेशक इस रिश्ते पर रहते हुए आप अपने कार्यों के बारे में खुलकर बात करते हो, फिर भी आपको आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है।
कानूनी मामलों में फंसने से मुक्ति। लिव इन रिलेशनशिप में आप शादी की तरह कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं। इसके अलावा शादी के टूटने पर आपको कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको रिश्ते को ख़त्म करने में इतनी मुश्किल नहीं होती। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना। इस तरह के रिश्ते में किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी होने पर वो व्यक्ति रिश्ते आसानी से बाहर आ सकता है। रिश्ते से बाहर निकलने की पूरी आज़ादी होने के कारण दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे के सम्मान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लिव इन रिलेशनशिप के नुकसान क्या होते हैं? अविश्वास का डर। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों में अविश्वास का डर हमेशा ही सताता रहता है। इस रिश्ते में दोनों ही पार्टनर रिश्ते से बाहर आने के लिए आज़ाद होते हैं, इसलिए दोनों में ही यह डर बनाना रहता है कि इस कारण ही वह अपनी ज़िंदगी को खुलकर खुशी खुशी व्यतीत नहीं कर पाते। रिश्ता टूटने में आसान। लिव इन रिलेशनशिप की वैसे तो ये खासियत है कि कुछ लोग इसको बुरा भी मानते हैं, लेकिन कई बार एक पार्टनर दूसरे को आहत कर आगे बढ़ जाता है। इस रिश्ते में वाद और कस्में और होते हैं, पर सब अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। रिश्ते के टूटने में आसानी है, इसलिए आप इससे आसानी से बाहर आ सकते हैं। जबकि शादी में आपको रिश्ते से बाहर में कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और कई बार तो कानूनी प्रक्रिया में सालों भी लग जाते हैं। रिश्ते का महत्व कम होना। लिव इन रिलेशनशिप में कई मामलों में दोनों ही पार्टनर में रिश्ते के सम्मान और महत्व को कम देखा जाता है। इसकी बड़ी वजह है दोनों के ही मन में ये बात पहले से ही होती है कि वो इस रिश्ते से कभी बाहर आ सकते हैं। इस तरह के रिश्ते में अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत आज़ादी के लिए शादी करने के फैसले को टालते रहते हैं। बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ना। देखा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके बच्चों में नियमों के प्रति सम्मान नहीं होता। इसके अलावा वो समाज में दूसरे बच्चों से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि उनके माँ बाप किसी कारणवश अलग हो जाते हैं तो उनको पारिवारिक मान्यताओं व उसकी ज़रूरतों के बारे में सही से कुछ पता नहीं चल पाता है। सामाजिक निंदा का सामना करना। भले ही आज के समाज में लिव इन रिलेशनशिप तेज़ी से युवाओं के बीच प्रचलन में हो, लेकिन आज भी भारतीय समाज में इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है, इसलिए इस रिलेशनशिप में रहने वालों को खराब दृष्टि से देखा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए कोई आसानी से अपना कमरा किराए पर भी नहीं देता। औरतों के लिए बन जाती है बड़ी मुश्किल। भारतीय समाज में आज लोगों की मानसिकता में पुरुष प्रधान सोच में थोड़ी तो कमी आई है, लेकिन फिर भी इस मानसिकता को कई लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप से यदि पुरुष साथी चला जाए तो महिला समाज में कई तरह की प्रताड़ना का सामना करती है। इसके अलावा महिला को फिर दोबारा पार्टनर मिलने में भी मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे लिव इन रिलेशनशिप के फ़ायदे, कानून और नुकसान। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।